नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शंकर कुमार। देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूँ शिक्षा विभाग के पास। इसलिए खड़ा हूँ कि एक लेटर जारी किया गया है, जो प्रधान सचिव है शिक्षा विभाग के, ACS है S सिद्धार्थ के द्वारा एक लेटर जारी किया गया। आप शिक्षा विभाग का वो देख सकते हैं कि जिस तरह से यह लेटर है, राज्य में शिक्षण व्यवस्था में सुधार के संबंध में है। विभिन्न साप्ताहिक बैठक में राज्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आधारभूत संरचना, राज्य के विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता। ये 8 पन्नों का यह लेटर जारी। आपको बता दें कि विद्यालय भवन पहला, आप सभी यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य में सभी विद्यालयों को अपना भवन सही रूप से रंग रोहन किया हुआ होना चाहिए। भवन व छत टपकती, फर्श टूटा नहीं हो, दरवाजे और खिड़कियाँ सही रूप से लगाए गए हो। मतलब बिहार शिक्षा विभाग के जो शिक्षा विभाग के ACS है S सिद्धार्थ के आने के बाद शिक्षा विभाग में लगातार सुधार की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच एक लेटर डॉक्टर S सिद्धार्थ जो प्रधान सचिव, उनके द्वारा यह जारी कर दिया जाता है। बीते दिन 2-7 को यह लेटर जारी किया जाता है और 8 पन्नों का यह लेटर है। बेंच डेस्क की व्यवस्था, जो स्कूलों में सरकारी विद्यालयों में जिस तरह से पाए जाते हैं कि बेंच डेस्क खराब पाए जाते हैं, उसको लेकर ठीक करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। बेंच डेस्क, पीने का पानी की व्यवस्था, प्रत्येक विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शौचालय, मतलब खास करके यह देखा जाता है सरकारी विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। विद्युत व्यवस्था, मतलब लाइट और पंखों की व्यवस्था, गर्मी में जिस तरह से सरकारी विद्यालयों में गर्मी में बच्चे गिरते हुए आपने देखा होगा कि बढ़ती हुई गर्मी को लेकर भी विद्यालय में बच्चे किस तरह से बेहोश हो रहे थे। बिजली, विद्यालय में भवन बिजली मीटर एवं वायरिंग की व्यवस्था की जाए। यदि 1 माह के बाद निरीक्षण में उपयुक्त आधारभूत संरचनाओं के अधिष्ठपन मरम्मति में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही आप पर निर्धारित की जाएगी। मतलब ये सीधा सीधा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है। 8 पन्नों का यह आदेश है। शिक्षा में व्यवस्था को, शिक्षकों की उपस्थिति पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सभी शिक्षक अपने डिजिटल लैब मोबाइल के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाएंगे। इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश निर्गत किया जा चुका है। यदि परिस्थिति में किसी शिक्षक को छुट्टी की आवश्यकता होगी तो उस संबंध में वह औपचारिक रूप से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही अवकाश पर प्रस्थान करेंगे। समय पर विद्यालय आना एवं जाना उनका दायित्व होगा। सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता पाठ्यक्रम के अनुरूप ही शिक्षा कार्य हो, बच्चों की शिक्षा दी जाएगी, यह सभी शिक्षक सुनिश्चित करेंगे। गृह कार्य, मतलब खास करके होमवर्क नहीं दिए जाने और गृह कार्य की मूल्यांकन नहीं किए जाने की शिकायत प्राप्त हुए थे। गृह कार्य नियमित रूप से दिया जाना चाहिए और उसका मूल्यांकन भी गुणपूर्णतापूर्वक नियमित रूप से किया जाना चाहिए। यदि कोई शिक्षक सही से ना पढ़ पाते हैं हो तो प्रधानाध्यापक की यह दायित्व होगा कि वैसे शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे। इस 2024 और भी सारी बहुत सारी ऐसी हैं जो शिक्षा विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया। शिक्षक सेवक, शिक्षा सेवक, तालीम मरकज बहुत सारे ऐसे भी हैं कि बच्चों की उपस्थिति पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। पत्रांक 7 मिशन दक्षा 12-6 के पूर्व भी निर्गत किया गया था। गैर सरकारी प्राइवेट स्कूल, ट्यूशन, सभी कोचिंग संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे FLN किट और भी मध्यान्ह भोजन योजना है। शिक्षकों की शिकायत का निवारण है। शिक्षकों की जो हमेशा शिकायतें रहती है, करीबन शिक्षक सप्ताह में एक दिन शनिवार विद्यालय अवधि के उपरांत शिक्षक दरबार लगाते हुए उनकी समस्या सुनेंगे, उनकी समस्याओं पर विधि समस्त कार्रवाई करते हुए उनका समाधान करेंगे। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल आपके स्तर से समाधान न होने वाली समस्या शिकायत ही नहीं राज्य मुख्यालय पहुँचेगी, जिला स्तर के किसी भी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो ACS है S सिद्धार्थ के पदभार संभालने के बाद जब ACS S सिद्धार्थ पहुँचे तो लगातार विद्यालयों में परिवर्तन नज़र आ रहा है। जिस तरह से वो 8 पन्नों का या आधारभूत संरचना के लिए एक लेटर जारी किया गया है, बीते दिन 2-7 को यह लेटर S सिद्धार्थ के द्वारा जारी किया गया। 8 पन्नों को विद्यालय में समुचित व्यवस्था, बेंच हो या डेस्क हो या विद्यालय के मरम्मत का कार्य हो या शौचालय व्यवस्था, 8 पन्नों का वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से ACS जो बिहार विद्यालय की आप शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव है डॉक्टर S सिद्धार्थ के द्वारा यह लेटर जारी किया गया। 8 लेटरों में साफ साफ जितने भी बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि आप अपने
विद्यालय को, अपने जिले में विद्यालय को आधारभूत संरचना को ठीक कर ले, विद्यालय को मरम्मत करा ले। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे परिवार शिक्षा में। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।